नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एच एस सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्र धातु है, मतलब किससे बना होता है? तांबा और एल्युमिनियम से। उसी प्रकार सोल्डर किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है? सोल्डर बना होता है टीन और सीसा से। तो अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किस पदार्थ से बने होते हैं? टीन और सीसा से। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। तो यह आरडीएक्स का पूरा नाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? इसका मतलब ये हुआ जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, तो आप देखे होंगे नॉन स्टिक बर्तन, उस पर किस चीज़ का लेप लगा होता है? वह लेप होता है टेफलॉन का। तो टेफलॉन का लेप लगा होता है नॉन स्टिक बर्तन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडिपिक अम्ल। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? रेयान। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था होगा, तो वह है रेयान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? वह है ऑक्जैलिक अम्ल का। मधुमक्खियों के काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? फार्मिक अम्ल के। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ओजोन परत के हार्स के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है? एसिटिलीन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ओलियम क्या है? सधु सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? HE+O2। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। पानी का शुद्धतम रूप कौन है? वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल होता है वो होता है वर्षा का जल। और समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा, हरा रंग बेरियम। सफेद स्वर्ण के नाम पर किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? और इसका आंसर है पायराइट्स को।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोहे की परत, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? जस्ता की, लोहे पर जंग लगने से लोहे के वजन पर क्या प्रभाव होता है? उसका वजन जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, शून्य समूह में रखने गए तत्व तो किस नाम से जाने जाते हैं? रखे गए, इसका मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अक्रिय गैस। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाले धातु कौन है? वह है एल्युमिनियम। और एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी से ही है, और एलपीजी में गैस मुख्यतः कौन पाई जाती है? वह है ब्यूटेन। ये जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? और वह है उसका आंसर निकेल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है कौन, क्या कर देता है? अम्ल। और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है, लाल लिटमस को जो पत्र है उसको नीला कर देता है क्या? क्षार। और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन, हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है ये कहाँ से आती है? जल से। तो दोस्तों वीडियो अगर जो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।